तो फाइनल लुक गाइस शिवानी का ये आ चुका है। जितने भी चीजें चढ़ी थी ये सबसे सुंदर था, है ना? सबके ऐसे पति करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की उम्र। तो ये है फाइनल गाइस मेरा लुक, जिसके अंदर मैं इस तरह से तैयार हुआ हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ शिवानी का लुक कैसी तैयार हुई है शिवानी। तो फाइनल लुक गाइस शिवानी का यह आ चुका है। ऑलमोस्ट पहने जा रहे हैं, गोल्ड की ज्वेलरी पहनी जा रही है मैडम के द्वारा। बहुत प्यारा लुक आ रहा है मेरे हिसाब से, तो बहुत प्यारा। हाँ थोड़े कमजोर, वो तो पूरे दिन कुछ खाया पिया नहीं है, वो तो कमजोरी तो आएगी ना उस चीज से, उसमें क्या चीज है। बहुत औसम तो पूजा कितने बजे करनी है? 7:30 हो चुके हैं, सुबह से आप कुछ खाए पिए नहीं है। ये तैयार होके पूजा ही करनी है। और एक चीज है, ये मेरी, ये जितने भी चीजें चढ़ी थी ये सबसे सुंदर था, है ना? सबके ऐसे पतले वाले होते हैं लेकिन ये वाला अच्छा था। मांग टीका, हां मेरा मांग टीका बहुत सुंदर है। लेंगे आपके लिए, कुछ और भी लेना है हमें बड़ा बड़ा सामान। बता के नहीं लेते, 9,800 नहीं हो बस, वैसा कुछ नहीं लेना। बहुत टाइम के बाद अपना गोल्ड वाला, मैं सोची कि कभी कब पहनूंगी आखिर, तो गोल्ड वाला भी अपना पहनूं, है ना? तो इसलिए, और भी मतलब ज्वेलरी है तो मुझे जितनी पसंद है, और सच में मेरी सारी फेवरेट फेवरेट आई। ये भी मेरी कितनी सुंदर लगती है, ये भी अच्छा लगता है। मंगलसूत्र तो पहनना ही चाहिए, रहने दो, ये पहन लो, पहन लो। अरे पहन लो, क्या जा रहा है? नहीं ओवर नहीं लगता मुझे ना, ज्यादा ओवर नहीं, अच्छी चीज है। एक दो चीजें ही अच्छी लगती है, वैसे मंगलसूत्र तो हमेशा एक ही पहना जाता है, पर दो पहन ले रही है। हमने पहनाया कौन सा था आपको मंगलसूत्र? ये वाला पहनाया था ना, ये छोटा। हाँ बड़ा वाला तो वो तो देखने के लिए था, जो हमने पहनाया असली सुहाग की निशानी तो वही हुई ना कायदे में। ये बंद नहीं हो रहा, क्या चीज है? ब्रॉच है, दिखाओ। मैं लगा दूँ? नहीं मैं लगा देता हूँ, दिखाओ। तो यहाँ पे गाइस नेल आर्ट हो रहा है। हाँ मेहंदी अच्छी लग रही है दोनों हाथों की, चूड़े भी अच्छे लग रहे हैं आपके। वाह लुक बहुत प्यारा आ रहा है देखो। ऑसम। बेटे को तैयार करूँगी? बेटे तो सारा वैसे ही पहना है देखो आज। देखो मैं नहीं लगा, आप मेकअप करके इतनी गोरी हुई है जितना गोरा बेटू है मेरा। हाँ, मेरा बेटू गोरा है। तो ये है गाइस हम दोनों का लुक, देखो तो अब गाइस अब टाइम हो रहा है पूजा करने का, अब जाएंगे करेंगे पूजा। टाइम हो चुका है, सही बात है, टाइम बाद पूजा कर जा रहा है। इसमें क्या पूजा के बाद आप क्या पानी पी लेते हो बस? हाँ खाना नहीं खाते? ओके अच्छा, इसमें खाना नहीं खाते सिर्फ पानी पी सकते हैं? खाना पी नहीं सकते लेकिन मैंने स्टार्टिंग से पानी पी के ही रखा था। अच्छा मतलब कि पूजा के बाद पानी पी लो पूजा, बाकी इसमें पीते नहीं। चलिए कोई नहीं, अब फाइनल लुक अपना दिखाइए और फिर चलते हैं पूजा वाले रूम में और करते हैं पूजा। फाइनली गाइस समय आ चुका है पूजा पाठ करने का, शिवानी बैठ रही है, भगवान को प्रॉपर रख रही है, मैं आपको दिखा दूँ एंड पूजा भी दिखाते हैं आप लोगों को, तो बने रहिएगा ब्लॉग में।
आप भी आओ टीका लगाओ आओ। क्या हुआ आपको बेटू को? वह सिर्फ भोलेनाथ को ही अब पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी हो और उनका विवाहिक जीवन खुशहाल रहे। माना जाता है कि जो इस व्रत को पूरी विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है उन्हें इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति होती है। इसलिए बोली हूँ सही पढ़ शुरू से भर रहा हूँ ठीक है। जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा। अर्ध की धारा ये आरती अलग है। आरती क्या अलग है? तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। चलो आप उसमें रिकॉर्ड करोगे। बेटू को मेरे बेटू घंटी बजा रहा है। हाँ मेरा गुड बच्चा है। हाँ तुम्हारा गुड बच्चा है। हाँ मेरा गुड तुम्हारा घंटी बजाऊं पापा लोग घंटी बजाऊं मैं। फाइनली गाइस आरती हमारी संपन्न हो गई है। पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है। तो कहाँ तुलसा जी को चढ़ाएंगे? चले गाइस अभी शिवानी जा रही है तुलसा जी को जल चढ़ाने। मेरे बेटू ने आज बैल बजाई आरती में पूरा सपोर्ट किया है। बेटू ने आरती में फुल सपोर्ट किया है यार अच्छी बात है। एंड पूजा हो चुकी है संपन्न तो पानी पी सकते हैं। आप पानी पी लीजिए सबसे पहले। आप ज़्यादा वेट मत कीजिए क्योंकि उसमें क्या दिक्कत आती है ना काफ़ी ज़्यादा। मॉर्निंग का कुछ नहीं पिया है तो मेरे बेटा आज बैल बजा रहा है। जब हम पिलाएँ कहाँ है पानी? अच्छा करवा चौथ वाला सिस्टम नहीं है इसमें। इसने अपने चांद को स्वयं देख के स्वयं पानी पी लीजिए। आपको पीना है बेटा पानी? और तो फाइनली गाइस पूजा कंप्लीट हो चुकी है। शिवानी को पानी पिला दिया गया है। थोड़ा पी चुकी हैं। अब खाने में सिर्फ ये कह रही है कि सिर्फ फ्रूट्स टेस्ट कर सकते हैं। खाना आज के दिन नहीं होता है प्रॉपर। एंड कोई नहीं बहुत लाइट बट फ्रूट अच्छे खा लो जिससे कि कोई ज़्यादा जो कमजोरी है वो ना हो ठीक है। अब करते हैं गाइस कुछ फोटो शूट्स एंड अपना बनाते हैं रील्स जो कि आपको हमारे इंस्टाग्राम के चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। साथ सब्सक्राइबर के साथ साथ आप इंस्टाग्राम को भी जरूर फॉलो कीजिए क्योंकि मैक्सिमम रील्स हमारी वहीं पे अपलोड होती हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स पे कम होती हैं। तो लवली दिल्ली का पल के इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें। वहाँ पे जरूर आपको देखने को मिलेंगी सारी फोटोज एंड रील्स। अभी क्या फोटोज करें ब्लॉग का यहाँ पे एंड कर दें। अभी और कुछ तो नहीं रहा हो गया। चलो गाइस पूजा हो चुकी है कंप्लीट। इस ब्लॉग का भी यहीं पे करेंगे एंड आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। और शिवानी का लुक आप लोग को कैसा लगा? शिवानी की साड़ी कैसी लगी? पैर तो छुई नहीं। पैर रुकी गाइस क्या दूधो नाव पूतो फलो वाला होगा? सदा सुहागन दो सदा सुहागन दो। ये तो अपने लिए आशीर्वाद हो जाएगा सुहागन वाला तो। जो भैया है बस। हाँ चलो दूधो नाव पूतो फलो तो गई हो ठीक है। कोई नहीं फैमिली आपकी अच्छी रहे। बेस्ट ऑफ लक ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।